अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर हुमैरा आज़म एंड आई एम अ फिज़िकल थेरेपिस्ट। हमारे पास क्लिनिक में अक्सर पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको कमर के निचले हिस्से में दर्द होती है, जिसको वो बटक पेन भी कहते हैं, हिप पेन भी कहते हैं। जब हम उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम उनसे पेशा पूछते हैं कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो हमें पता चलता है उसमें ज़्यादातर अफराद ऑफिस वर्कर्स हैं। ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे अरसे तक बैठने वाला काम करते हैं, या ऐसी फीमेल्स हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद उनमें ये दर्द आ जाती है, मकैनिक्स हैं, या फिर वो ऐसे लोग जो सारा दिन बाइक का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सख्त जगह पर बैठते हैं और बहुत लंबे अरसे तक बैठते रहते हैं, या कोई ट्रॉमा की किसी की हिस्ट्री है, या किसी सर्जरी की हिस्ट्री है, या फिर ऐसे लोग जो फिसल के अपने बटक के ऊपर गिर जाते हैं और पूरा प्रेशर उसके बटक पे आ जाता है, उसके बाद उनको ये दर्द निकल आती है, या ऐसे लोग जो उम्र बढ़ने के बाद जैसे उनकी बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं तो उनके कमर के बिल्कुल निचले हिस्से में डिजनरेटिव चेंजेस की वजह से दर्द निकल आना शुरू करती है, और वो दर्द हमारी कॉक्सिक यानी हमारी रीढ़ की हड्डी की सबसे निचली एक हड्डी होती है, जो कि एक ट्राइंगुलर वी शेप एक हड्डी होती है जिसे हम कॉक्सिक कहते हैं, उसमें दर्द आती है, और इस कंडीशन को हम कोक्सीडाइनिया कहते हैं या कॉक्सिक पेन सिंड्रोम भी कहा जाता है, या आम अल्फाज में सिंपली इसे हम बटिक पेन से भी इसे बुलाते हैं। जब हम इसका डायग्नोसिस बना लेते हैं कि इसे कोक्सीडाइनिया हो गया है, तो ऐसे मरीज़ों में जो दर्द है वो सिर्फ अपनी कमर की निचली हिस्से में दर्द नहीं होती, इसके अलावा उनको लो बैक पेन का भी मसला आने लग जाता है, या दर्द जो है उनकी बटक में और बटक से होते हुए टांगों में जाना शुरू कर देता है। इवन कि कुछ पेशेंट में जब ये सेवेरिटी थोड़ी बढ़ जाती है तो सुनपन भी शुरू हो जाता है, कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसके पाँव भी सुन होने लग गए हैं। इसके अलावा मरीज़ जब भी बैठता है तो वो ये कंप्लेन करता है कि मुझे बैठते हुए दर्द होती है, या फिर जब बहुत सेवेरिटी की तरफ जा चुका होता है इनका ये मसला, तो फिर बैठ के जब उठते हैं तब भी एकदम से कमर के निचले हिस्से में दर्द निकल आता है। तो जब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं, तो अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। जहाँ हम इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो नॉर्मली जनरली हमारी प्रैक्टिस में क्या होता है कि जनरल फिजिशियन जो है वो पेन किलर्स रिकमेंड कर देता है, जो वक्ती तौर पे पेशेंट की दर्द की अलामत को कम कर देता है, पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का देखा जाए तो हमें पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक बैठने वाला काम कर रहा है तो उसके अंदर हमें उसका पोस्चर करेक्ट करवाना होता है। अगर पोस्चर की खराबी की वजह से भी ये दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर जाती है, इसकी अलामत दर्द की बहुत बढ़ जाती हैं, और अगर वो हार्ड सरफेस पे बैठ रहा है तो हमें उसे नरम करना है। लेकिन अगर उसको नरम सरफेस पे बैठने के बावजूद उसके दर्द के सिम्टम बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहे, उसके लिए फिर हम एक डोनट कुशन रिकमेंड करते हैं, जो आप देख सकते हैं उसके अंदर एक होल होता है और डोनट की शेप का होता है, जिसमें हमारी कॉक्सिक बोन जो है वो पूरी तरीके से रिलैक्स होती है, और हमें उस बेसिकली उस प्रेशर को रिलैक्स करना है जो हमारी कॉक्सिक बोन के ऊपर आ रहा है, वो किसी भी वजह से, को हमारे प्रोफेशन की वजह से हो सकता है, और जब वो रिलैक्स हो जाता है तो अल्टीमेटली पेशेंट की दर्द की अलामत भी कम हो जाती हैं। इसके अलावा एक फिजियोथेरेपिस्ट बहुत सारी एक्सरसाइज रिकमेंड करता है, जिसके अंदर स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जो पेन को रिलीफ करता है, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है जो थोड़ा टाइम टेकिंग तो है, लेकिन पेशेंट को इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी हो जाती है। फिजियोथेरेपी में इस मखसूस मसले के लिए हम कुछ मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी और शॉर्ट वेव डायथर्मी का नाम अगर आपने सुना होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें कॉक्सिक बोन पे हुई इन्फ्लेमेशन या सोजन जो है वो उसका काम करते हैं और दर्द की अलामत को बहुत बेहतर बना देता है। इसके अलावा कुछ मखसूस ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो एक फिजिकल थेरेपिस्ट ही इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें मिसाल के तौर पर एक एनल मोबिलाइजेशन है, और इसके अलावा बहुत सारी और टेक्निक्स एक फिजिकल थेरेपिस्ट पेशेंट पर अप्लाई करता है, जिससे पेशेंट की दर्द बेहतर होती है और लॉन्ग टर्म में उसको बेनिफिट होता है। जब हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो हम उनकी कंप्लीट असेसमेंट करते हैं और उनकी असेसमेंट के अकॉर्डिंग उनका डायग्नोसिस बना के उनको बेहतरीन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप या आपके किसी प्यारे को इस तरह का मसला है या इस तरह के दर्द से मुबतला हैं तो आप हमारे पास क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं या दिए गए नंबर से हमसे रابطہ कर सकते हैं। शुक्रिया।